नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात देश में वामपंथी राजनीति की। कहा जा रहा है कि इस वक्त देश में वामपंथी राजनीति अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। बंगाल में उसकी सियासत सिकुड़कर सीमित होती जा रही है। केरल में आपसी तनाव पार्टी के अस्तित्व पर प्रहार करता दिख रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मौजूदगी हाशिए पर पहुँच गई है। अनिश्चितता और गिरते प्रभाव के इस दौर में किसी भी राजनीतिक दल में अंदरूनी विमर्श होना स्वाभाविक है। इसका कुछ आभास दिल्ली में हुई सीपीएम की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो की बैठक में भी देखने को मिला, जब पार्टी की पॉलिटिकल टैक्टिकल यानी राजनीतिक कार्यनीतिक रणनीतिक लाइन तय करने पर पोलित ब्यूरो के अधिकृत ड्राफ्ट से अलग दस्तावेज पेश किया गया। जानकारी से असाधारण घटना मान रहे हैं। सवाल ये है कि ये चुनावी विफलताओं से उपजी हुई हताशा और निष्क्रियता के चलते पैदा हुआ अंतर्विरोध है या फिर नेतृत्व को लेकर कोई अलग दलबंदी या फिर एक बहस की शुरुआत मात्र है उन सवालों को लेकर जो इस वक्त देश की वामपंथी राजनीति के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। सवाल जो गुजरे कल के फैसलों से जुड़े हुए हैं, जो गिरावट के कारणों से जुड़े हुए हैं, सवाल जो वैचारिक भी हैं और सवाल जो इस झंझावात से रूबरू हैं कि आखिर दक्षिणपंथी राजनीति के उभार के इस दौर में वामपंथ अपनी जगह और सोच को कैसे बचाए। और इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI-M के राज्यसभा सांसद और पोलित ब्यूरो मेंबर सीताराम येचुरी। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुधा पाई, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस JNU में प्रोफेसर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अमित सेन गुप्ता, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं IIMC में, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मशहूर इतिहासकार CP भामरी साहब भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है भामरी साहब आपका भी। आप सभी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। दोज पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स हु डू नॉट फुल्ली एग्री विद द पॉलिट ब्यूरोस ड्राफ्ट दे कैन प्लेस देयर ओन व्यूज टू द सेंट्रल कमिटी। दिस इज आवर प्रैक्टिस इन आवर पार्टी ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, ऑन आइडियोलॉजिकल मैटर्स। We have our members of our leadership and our leading committees have full freedom to put their views and get them debated in our party. CPM महासचिव बचाव की मुद्रा में थे तो इसलिए कि अब उनकी पार्टी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल ये कहावत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मामले में चरितार्थ हो रही है कि जब बुरे दिन आते हैं तो दबी समस्याएं भी उभर आती हैं। दिल्ली में CPM केंद्रीय समिति की बैठक अगली पार्टी कांग्रेस यानी 3 साल पर होने वाले महाधिवेशन के लिए महासचिव के पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन संबंधी दस्तावेज को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई थी, मगर प्रकाश करात से असहमत खेमे ने इसे दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। जानकारों ने इसे अगला पार्टी महासचिव कौन बनेगा इसे उसके लिए पार्टी में जारी दांवपेच का हिस्सा माना है। ये भी कहा गया है कि हाल की हार के बाद पार्टी सदमे में है, वो किधर जाए ये पार्टी नेता समझ नहीं पा रहे हैं। CPM और दूसरी लेफ्ट पार्टियों ने जिस तेजी से अपना जनाधार तथा राजनीतिक हैसियत खोई है उसके मद्देनजर पार्टी में दिशा और कार्यक्रम को लेकर अविश्वास का माहौल होना अस्वाभाविक नहीं है। यही केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो की बैठक में जाहिर हुआ। इसमें 1978 में तय पार्टी की राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन को लेकर मतभेद उभरे। करात के दस्तावेज में इसी लाइन को CPM का अपने आधार वाले इलाकों से बाहर प्रसार न होने और पार्टी का प्रभाव सिकोड़ने का कारण माना गया, लेकिन सीताराम येचुरी ने दोष इस लाइन के बजाय इस पर अमल में गड़बड़ियों पर डाला। जानकारों का मानना है कि सच्चाई इन दोनों नजरियों में है, मगर असली मसला बदले राजनीतिक परिदृश्य के मुताबिक राजनीतिक समझ ना दिखाने का है, और यही हाल जारी रहा तो नया दस्तावेज लिखना शायद नाकाफी होगा। अपने बहस की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ सीताराम येचुरी साहब। कहा यह जा रहा है कि CPM की जो पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें जो कांग्रेस के लिए आने वाले कांग्रेस के लिए जो दस्तावेज पेश किया गया उससे अलग आपने कुछ अलग
दस्तावेज पेश किया जिसको लेकर तरह तरह की बातें हैं। तो दरअसल आपका उस ड्राफ्ट का मूल मुद्दा क्या है और जरूरत क्या थी इस नए ड्राफ्ट की? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग कुछ बोलेंगे, चर्चा करेंगे, ये अच्छी बात है। मतलब लोगों का काम है कहना, याद है ना मशहूर गाना हुआ हाँ, खैर उस बात को छोड़िए, लेकिन ये कोई एक ना नई बात है ना कोई अलग से परंपरा है हमारे पार्टी में। एक बार 1978 के बाद से माना जा रहा है कि ये पहली बार इस तरह की कोई घटना हुई है और ये भी एक बिल्कुल असाधारण है क्योंकि इससे पहले के जनरल सेक्रेटरीज का जो रुख रहा है इस तरह के डिसेंट के बाद, क्या इसे आप डिसेंट मानते हैं या ना? ना देखिए हाँ। इस तरीके की बात ये गलत है कि 1978 के बाद हुआ नहीं। हाँ। कई बार अल्टरनेट दस्तावेज पेश किए गए हैं, हमने खुद पेश किए हैं 2000 में और 2000 के बाद कई बार। तो ये ऑल्टरनेट ड्राफ्ट पेश करना जो है ये कोई नई सिलसिला नहीं है हमारे पार्टी में, ये अक्सर होता रहा। लेकिन अगर आज चर्चित है तो वो है कारण जो फिज़ा जो बनी हुई है राजनीति, उस फिज़ा के दरमियान इस तरीके की बात जो है शायद वो एक कारण है चर्चा के लिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम समझते हैं कि कोई असाधारण है हमारे पार्टी की जो जिस तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि असाधारण फिजा है इस समय देश की राजनीति की, इसलिए इसको लाना जरूरी था और उस ड्राफ्ट में है क्या, अगर आप देश के सामने ये खुलासा कर सके कि दरअसल आपने उस ड्राफ्ट में क्या ऐसी बात लिखी है? देखिए, खुलासा होगा जब वो ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट पारित होगी। जब तक पारित नहीं होगा, जो मेरी राय है वो राय मेरी रहेगी मेरी कमेटी के अंदर और उसके अलावा और कोई जानेगा नहीं, ना हम बोलेंगे। क्योंकि सवाल ये है कि एक बार हमारे तरफ से यानी पार्टी की तरफ से एक हम तय करके जो लाइन लेकर जाएंगे वो तो निश्चित रूप से वो ना सिर्फ पब्लिक होगा हमारे पार्टी के अंदर, हमारे संविधान के अनुसार ये अनिवार्य है कि 2 महीने पहले हमारे कांग्रेस के हमारे राजनीतिक प्रस्ताव और उसके अपने हमारे घटनाक्रम के बारे में जो भी हम तय करते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक प्रोविजन है कि उसको हमें रैंक एंड फाइल को और पब्लिक को वो हम रिलीज करते हैं 2 महीने पहले पार्टी कांग्रेस को। ये करना ही पड़ेगा इसके अंदर कोई, और इस तरीके की अंदरूनी जो जनतंत्र है हम समझते हैं कि बड़ी कमी पार्टियों के अंदर है जी, तो ये आएगा आपके सामने जब जब तय होगा। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये सुना प्रकाश करात साहब को कहते हुए जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं कि द पार्टी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द ग्रोथ इन द इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ ऑफ द CPI-M as a whole. That's true. और ये भी कहा गया कि from Jalandhar onwards we have been talking about forming a left democratic front as an alternative. We have not made much advance towards that. So क्या आपने जो alternate draft पेश किया है उसमें भी इसी तरह की बातें हैं और इसी को आगे बढ़ाना? देखिए, सवाल जो पार्टी के सामने है वो बिल्कुल वही दो सवाल है जो पूरी पार्टी, जनरल सेक्रेटरी हो, हम हो, बाकी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हो, सभी पार्टी जो है इन सवालों पे चिंतित हैं कि जिस आधार पर हमारी स्वतंत्र तरीके से जो जनाधार बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। 1978 से लेकर हमारी यही प्रयास थी कि पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट के अंदर वामपंथी आंदोलन का विकास हो और उसके लिए कोशिशें की गई, कई सारे कोशिशें हुई, कई सारे नए कारण पहचाने गए और उसके बावजूद ये काम हुआ नहीं, अभी अधूरा है, ये वास्तविकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो आपने रिवाइज ड्राफ्ट या जो आपने अपनी तरफ से ड्राफ्ट पेश किया वो कोई असाधारण घटना नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं पार्टी में और जिस तरह का राजनीतिक माहौल है उसमें पूरे संपूर्णता में विचार करने की ज़रूरत है। सुधा पाई जी, क्या जो दूसरे जानकार हैं, जो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये पार्टी के अंदर दलबंदी भी हो सकती है या कोई अंतर विरोध की वजह भी हो सकती है, क्या आपको, आप इसको इसी रूप में देखती हैं या फिर वाकई राजनीतिक चुनौती इस वक्त देश की है जिसे पार्टी के अंदर डिस्कस करना ज़रूरी हो गया है? अब CPI-M में इस बार वामपंथी मोर्चा पूरा और CPI-M पर्टिकुलरली सीट्स बहुत कम हुए हैं लोकसभा में, तो ये तो इस पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। तो पार्टी के अंदर बहस होना तो ज़रूरी है और पार्टी के अंदर बहस हमेशा ही रहा है, ये कोई, जैसे आपने कहा था, कोई बड़ी नई बात नहीं है। पर इस बार कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बना है, एक पार्टी को सेंटर में बहुत भारी बहुमत मिली है
बहुत सपोर्ट मिला है, छोटी पार्टियां मार्जिनलाइज हुई हैं। अब देखिए लोकसभा में सिर्फ 12 सीट हैं, 4 से थोड़े ज़्यादा परसेंटेज है, लिटिल मोर देन 4%, तो ये चिंता की विषय है। तो इसीलिए बहस करना बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर डिफरेंसेस हैं तो उसमें डिस्कशन करना, कोई एक कंसेंसस निकालना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंसेस तो आंतरिक लोकतंत्र की निशानी है, आप मानती हैं? कुछ हद तक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो रिजॉल्व ना हो सके, इसके लिए हमने वेट करना पड़ेगा। पर ये पहली बार नहीं है, पहले भी ज्योति बासु के टाइम पे, हरकिशन सुरजीत जी के टाइम पर भी इंटरनल डिबेट, डिस्कशन, डिफरेंसेस बहुत हुई हैं और 1960s में भी बहुत हुई हैं। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हालत देखें तो बहुत ही ख़राब है। 1989 में 10% मिला था वोट पार्लियामेंट में, आज 4% से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये चिंता की विषय है, तो इंटरनल डिस्कशन तो बहुत ज़रूरी है, इसका क्या फल होगा ये हमने वेट करना। अमित, क्या आपको भी लगता है कि इंटरनल डिस्कशन ही मुख्य वजह रही जिसकी वजह से अल्टरनेट ड्राफ्ट पेश किया गया, और क्या आपको उम्मीद है कि इस अल्टरनेट ड्राफ्ट से वाकई लेफ्ट पार्टियों को एक नई दिशा मिलेगी अपनी राजनीति की, खास तौर से जो इस समय मौजूदा राजनीतिक चुनौतियां हैं देश के सामने, और जिस तरह से वामपंथ लगातार सिकुड़ता जा रहा है जिसकी हमने शुरुआत में जिक्र किया, उसको एक नई दिशा मिल सकती है? कॉमरेड सीताराम जो कहा और प्रोफेसर सुधा पाई ने, वो देयर इज अ हिस्टोरिकल लेगेसी है। 1925-20 से लेके 64 के स्प्लिट के बाद भी लगातार रेजोल्यूशन आते रहे हैं, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल टाइम में भी कितने, एमन रॉय का रेजोल्यूशन लेनिन के खिलाफ था और लेनिन ने एमन रॉय के रेजोल्यूशन का वो किया था, रेक्टिफाई किया था, जब वो कहते रेवोल्यूशन राइप इन इंडिया, उन्होंने कहा नो इट्स अ काइंड ऑफ अ पाइप ड्रीम, लेनिन एट द टाइम ही हिमसेल्फ एक्चुअली रेक्टिफाइड इट विद हिज ओन हैंड, एंड इट इज बीन गोइंग ऑन। मतलब आप सुदीप्तो कविराज का थीसिस देखें, पीएचडी थीसिस 1964 स्प्लिट पे है, जेएनयू की लाइब्रेरी में पढ़ा है वो, मल्टीपल रेजोल्यूशन आर पुट इन सेवरल फोरम्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑल्सो, एंड इट इज नॉट सिंपली दैट कि कम्युनिस्ट पार्टीज आर कम्प्लीटली अनडेमोक्रेटिक और टोटलिटेरियन एज प्रिज्यूम फ्रॉम आउटसाइड। So this is not a very, we should take it with a, हमने तो ये सवाल सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि हमारी आपकी बिरादरी के ही लोग सबसे ज्यादा इस पे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए हमने सोचा इसको क्लियर कर लेना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक एंग्स्ट है और एक सच्ची में एक रेस्टलेसनेस है लोगों के अंदर। CPI-M इज द मेन पोलिटिकल पार्टी अमंग्स द लेफ्ट, CPI-M के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त सोशल कंडीशन को देखते हुए जो इंडिया के है, तो लोगों की उम्मीदें CPI-M से है इस वक्त। और अगर CPI-M जो है, अब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की बात है, तो जब कॉमरेड प्रकाश करत जनरल सेक्रेटरी बने थे तो हिंदी हार्टलैंड में घुसने का फिर से ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में डाला गया था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थिंग, पर हुआ कुछ नहीं उसका ना। पॉइंट ये कि यहाँ पे वी आर नॉट ब्लेम गेमिंग, यहाँ पे वी आर डूइंग सम थॉटफुल डिस्कशन, सो इट्स नॉट अ शाउटिंग मैच। इन दैट सेंस मैं ये कहूँगा कि वो हिंदी हार्टलैंड के अंदर उस तरह पेनिट्रेट नहीं कर पाए जिस तरह उन्होंने सोचा था, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्यों लीप ऑफ इमेजिनेशन की कमी है, क्या ग्रास रूट कार्डर चेंज हो गया, या पूरा पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर ही बदल गया, मसल मनी कॉर्पोरेट्स का एंट्री इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि लेफ्ट पार्टीज के पास वो साधन नहीं है या वो स्ट्रक्चर्स नहीं है जिसमें लेफ्ट पार्टीज ऑपरेट कर सकें, इस कई तरह के डिफिकल्टीज हैं उसके अंदर। तो उसमें लेफ्ट पार्टीज की खुद की कमियां भी हैं, मतलब पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पंजाब में टेररिज्म के खिलाफ सबसे ज्यादा, सीता से मेरी डिस्कशन भी हो चुका है, ही वाज माय कॉलमनिस्ट इन हिंदुस्तान टाइम्स, कि लेफ्ट पार्टीज इंक्लूडिंग CPI-M CPI अदर ML पार्टीज फॉट अगेंस्ट टेररिज्म, सैक्रिफाइसेस भी बहुत किए, आंध्र प्रदेश में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहा, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग रहा, बिहार में CPI इतनी स्ट्रॉन्ग रही एक जमाने तक, सब जगह एक किस्म का डिक्लाइन हुआ है लेफ्ट का जो कि डिस्टर्बिंग है। और इस दौरान जहां राइट विंग रिवाइवलिज्म, मतलब कांग्रेस और जस्ट वन सेकंड, कि कांग्रेस और बीजेपी का इकोनॉमिक पॉलिसीज तो ऑलमोस्ट द सेम, पर ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो कि न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन के सिंबल रहे हैं और जो वाशिंगटन कॉन्सेंसस से वाशिंगटन कार्टेल के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, उनके रहते हुए कॉर्पोरेट्स ने उनको बिट्रे किया और एक मोर हायर फॉर्म ऑफ मार्केट फंडामेंटलिज्म चुना, यानी एक मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी में दोनों की ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस हैं, इन द सेंस कि इकोनॉमिक पॉलिसी तो दोनों की बराबर है, लेकिन आप the takeover by the right wing fundamentalists or hindutva fundamentalists and a language which is being spoken but love jihad hua ya muzaffarnagar ke dange hue ya social engineering jis tarah kiya ja raha hai usme left ka लेफ्ट का इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट का इंट्रोस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेफ्ट को अपनी क्या दिशा चुननी होगी और किधर जाना होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर हम बातचीत करेंगे और भांभरी साहब के पास भी जाएंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे।
भांभरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम सीपीएम के इतिहास को देखें तो कंप्लीट 50 साल होने को आ रहे हैं आपके इस इतिहास के या आपके जन आपकी इस पार्टी के जन्म के, लेकिन आज सेलिब्रेशन नहीं है। आत्मविश्लेषण कितना ज्यादा, आप ये कह रहे हैं कि आत्मविश्लेषण के जरिए ही आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक सेलिब्रेशन का लेकिन है। लेकिन मैं भांभरी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बार बार ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट पार्टियाँ डिक्लाइन की तरफ हैं, लेकिन ये भी सच है कि अगर हम पिछले दो दशक का इतिहास देखें लेफ्ट पार्टियों का, तो सबसे ज़्यादा मजबूत भी उन्हीं दौर में रही और माना यह जाता है कि बड़ी गलतियां भी उसी दौर में हुई। तो क्या अब ये ज़रूरत नहीं है कि अपनी गलतियों को पहचाना जाए, जवाबदेही तय की जाए और इसके बाद आगे बढ़ा जाए? आपकी बिरादरी ने तो कभी वामपंथियों को समझा ही नहीं है। वामपंथियों का कोई डिक्लाइन नहीं है। वामपंथी सिर्फ चुनाव के लिए नहीं होते, वामपंथी एक मूवमेंट है। वामपंथी एक विचारधारा है, मूल विचारधारा है। जो आज एक ही विचारधारा है जो टकराव कर रही है राइट विंग से, जो टकराव कर रही है आज के शासकों से, ये शासक प्रजातंत्र को, संविधान को और हिंदुस्तान के 700 से 800 मिलियन गरीबों को एक बड़ा भारी चुनौती दे रहे हैं। ये उनकी जो मान्यताएं हम लोग के देश की जो पिछले 200 साल में हमने संघर्ष करके बनाई हैं, वो सब मान्यताएं आज खतरे में हैं और उसके खिलाफ सिर्फ जो भांभरी साहब, लेकिन आप ये ठीक कह रहे हैं कि दूसरी या विपरीत विचारधारा को सबसे मजबूत चुनौती वामपंथ ही दे रहा है, लेकिन क्या इसके लिए जरूरी नहीं है कि संख्या बल के लिहाज से भी वो मजबूत हो, तभी तो उसकी बात ज्यादा सुनी जा सकेगी? संख्या तो सड़क पे लानी पड़ेगी। आज प्रधानमंत्री ने कहा, एक खतरे की बात कही कि संघर्ष का जमाना खत्म हो गया, सड़क पे आने का जमाना खत्म हो गया। वामपंथी अपनी शक्ति दिखाएंगे गरीबों की आवाज उठाकर, जब गरीब सड़क पे आएंगे, जब किसान सड़क पे आएगा, जब मजदूर सड़क पे आएगा, जब ये जो पूरे अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे करोड़ों, ये जब सड़क पे आएंगे, उसको सिर्फ वामपंथी ही ला सकते हैं, क्योंकि वामपंथियों की जो विचारधारा है वो है गरीबी को दूर करना, शोषण को दूर करना, समानता को लाना। जी, अभी कल ही एक बड़ी भारी रिपोर्ट आई है विदेश से, जिसके आजकल हम सब मुरीद हो रहे हैं, कि हिंदुस्तान में पिछले 67 साल में स्वतंत्रता के असमानता बढ़ी है। हाँ, और ये लेकिन आपने जो बड़ा सवाल कहा कि छात्र, मजदूर, महिला, ये जो तमाम संगठन हैं, इन संगठनों के जरिए बदलाव और संघर्ष की बात बार बार वामपंथी पार्टियां करती रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो महिला संगठन हो, चाहे वो मजदूर संगठन हो, उनके जरिए आपकी ताकत बनती है। मगर उनकी ताकत होते हुए भी वो आपको चुनाव के दौरान मजबूती क्यों नहीं दिला पाते, वो आपके राजनीतिक अस्तित्व को बढ़ाने में और ज्यादा मजबूत करने में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? कहां पे सीपीएम से या लेफ्ट पार्टियों से चूक हो रही है? देखिए, इसके अंदर एक बहुत ही अहम बात है जिसको आपको समझना चाहिए। जहां तक लेफ्ट पार्टीज का सवाल ही नहीं, हम समझते हैं पूरी राजनीति की। देश को भी आजादी नहीं मिलती है सिर्फ चुनावों से लड़कर, वो इंटरिम सरकार जो है जीतने की कोशिश करती रही। जन आंदोलन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एमपी बने या एमएलए बने या मंत्री बने या एक राजनीतिक करियर नहीं है। राजनीति का मतलब है कि लोगों की चेतना के स्तर को बदलें, एक बेहतर समाज ले आए, और वो सिर्फ जन आंदोलनों के आधार पर ही वो संभव है।
तो अब कहा अब, जा रहा है कि जनांदोलनों का दौर गुजर चुका है। ना ना, जनांदोलन का दौर हर समय रहा है। लेकिन अहम सवाल जो भांभरी साहब भी जो हमारे मतलब एक तरफ से गुरु रहे हैं, मतलब पढ़ाए हमें 40 साल, अभी भी वो पढ़ाते रहे हैं, लेकिन अब जो जैसे भांभरी साहब ने कहा, सवाल यहाँ पर है कि एजेंडे पे जितना भी संख्या हो हमारी, एक बात समझ लीजिएगा, एजेंडे पे जो भी सवाल आता है जिसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत पड़ती है, देश के अंदर सबसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को और दुनिया के बड़े पूंजीपतियों को, वो एजेंडा है जो लेफ्ट तय करता है। आपके लेबर रिफॉर्म्स है, क्यों नहीं हो रहे भाई, इतनी बहस हो रही है, क्योंकि उसके खिलाफ लेफ्ट और उसके ट्रेड यूनियन जो है खड़े हैं संघर्ष में। आप जो है आज सबसे ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हो पब्लिक सेक्टर की, लेकिन उसके अंदर रुकावट कौन कर रहा है, किस लिए नहीं हो पा रही है, वो है आपके लेफ्ट और उनकी ट्रेड यूनियन मूवमेंट। लेकिन क्या आप मानते हैं कि तो, अभी अभी तो जो ये हो दोनों रहा पहलू को ध्यान में रखिए, दोनों पहलू को ध्यान में रखिए, दोनों चुनाव हम ये नहीं कहे कि वो इनसिग्निफिकेंट बात है, वो बिल्कुल बड़ी अहमियत रखती है, तो दोनों पहलुओं को ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव में संख्या घटी उसके वजह से देश की राजनीतिक आवाज जो है लेफ्ट की वो घटी, वो एक पहलू है। घटी, आप ये मानते हैं कि वामपंथ की आवाज घटी है? नहीं, चुनावी पैमाने से अगर आप देखेंगे वामपंथियों की आवाज कम हुई है, इसमें दो राय नहीं है, और उसी की बात तो हम भी चर्चा कर रहे हैं। अब ये क्यों हुई है, कई सारे कारण हैं। अब यहाँ पर एक बात जो अमित ने बताया और बिल्कुल सही है कि चुनाव किस प्रकार से हो रहे हैं आज, उससे टकराव लेना भी बड़ा मुश्किल है आम आदमी को। दूसरी बात यह कि एजेंडा जो सेट करती है वो जन आंदोलन के द्वारा होगा, वो लेफ्ट कर रही है। नहीं, आपने जो महत्वपूर्ण बात कही, मैं चाहती हूँ उसको एक बार आगे क्लैरिफाई कर लूँ। आपने कहा कि पैसे, मनी पावर, मसल पावर, इसकी वजह से वो दूसरा पक्ष ज्यादा ताकतवर हो जा रहा है और एक कारण है, लेकिन ये भी सच है कि आप लोग तो कार्डर बेस्ड पार्टी रहे हैं, और लेकिन आज पश्चिम बंगाल में स्थिति ये हो गई है कि पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 6,500 कार्यकर्ता निर्विरोध चुन लिए जा रहे हैं। तो आपके कार्डर, अगर आप कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, अगर आप विचारधारा के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं, तो वो जो कार्डर है वो अचानक एक बार की आपकी हार से परेशान होकर दूसरी पार्टी में क्यों चला जा रहा है? ये इस सवाल का जवाब भी तो खोजिए ना, सवाल जो आप पूछ रहे हो, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। अगर जो हमारे साथ जो कार्डर रहा है पिछले 30-40 साल, वो सडनली कहाँ गायब हो गया, और वो ही जो हो रहा बंगाल में, सुनिए, तो ना कारण सुनिए ना, वो कारण यही है कि वहां पर जिस तरीके की हिंसा की राजनीति आई, 1,000 से ज्यादा जिसके कार्यकर्ता की मर्डर होती है बंगाल में जो हुई है, जो सरकार खुद भी वहाँ पे मानती है पिछले 4 सालों में, खासतौर से 2009 के चुनाव के बाद। तो अगर ये कार्डर के ऊपर इस तरीके का हिंसा होता है, उनका जवाब ये है कि आप जब होते तो आप भी यही काम करते थे, अगर हम यही काम करते थे तो ये नहीं होते अब सरकार में जो है आज, अगर हम यही काम करते हैं तो ये सरकार में आए वही दिखाता है। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे है, इस तरीके की राजनीति जो आई, वही मैं बात कर रहा हूँ, हिंसा की, पैसे की राजनीति जो आई, अब यहाँ पर 54,000 लोग परिवार से परिवार रहे, 54,000 परिवार जो अपने गाँव में अपने घरों में आज के दिन वो नहीं रह पा रहे, उनको वहां से भगा दिया गया। अब ये बात हुई थी 1970 के दशक में, उनको अमित को पता होगा, मतलब उस समय पर जो सेमी फैशिस्ट टेरर कहते थे, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ ही तो लड़कर वामपंथी मतलब मजबूत होकर 34 साल सरकार चलाया। तो अब ये एक समय आएगा, लेकिन उस दिशा में जा रहे हैं। 1972 में याद रखिए, ज्योति बसु को चुनाव मैदान के बीच में, चुनाव चल रहे थे, चुनाव मैदान के बीच में उनको बॉयकॉट का काल देकर वो वापस चले गए अपने घर, चुनाव नहीं लड़ पाए। अब ज्योति बसु के बारे में ये याद दिलाओ किसी को, तो किसी को याद नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी दौर था वो 34 साल की सरकार आने से पहले। पार्टी जो है ये सब इसके दौर से गुजरी है, आज उसी तरीके का दौर चल रहा है बंगाल के अंदर, बड़ा खतरनाक बात है। लेकिन अब उसके अब इस सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, नेचुरली लोग भी देखते कौन उनको राहत दे सके, राहत लेकिन इस सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, इस सरकार के खिलाफ जो असंतोष है उसको कैटर करने का काम बीजेपी आसानी से कर रही है, आप नहीं कर पा रहे। वही तो कह रहा हूँ, लोग देखते हैं संरक्षण कौन देगा, अगर सरकार यहाँ पे कौन होगा दिल्ली में,
उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है लोगों के अंदर कि ये हमें संरक्षण दे सकता है। प्रोफेसर भामरी और जो येचुरी जी ने कहा है, मैं ये मानती हूँ कि वामपंथी पार्टी पर्टिकुलरली सीपीएम आज जो सरकार है, आज जो बदलाव आ रही हैं उसको मतलब चुनौती दे सकते हैं। और आपने बंगाल के बारे में बहुत बात की, बट लेफ्ट का एक इंक्रीमेंटल डिक्लाइन हुआ है और ये हिंदी हार्टलैंड में क्यों हुआ है ये भी समझना जरूरी है। बार-बार पार्टी कांग्रेस में कहा जाता रहा है कि हिंदी हार्टलैंड में हमें अपनी मौजूदगी बढ़ानी है। तो अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल पास देखें तो 1960s में ईस्टर्न यूपी में बहुत भारी लैंड ग्रैब मूवमेंट हुआ था, सीपीआई एंड लेटर ऑन सीपीएम की मतलब वहाँ भी, और इन पॉकेट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी मतलब इलेक्शन में इनके मेंबर्स मतलब विक्टोरियस हुए थे, उसके बाद डिक्लाइन हुआ। हिंदी हार्टलैंड में इसलिए डिक्लाइन हुआ मैं समझती हूँ कि दे फेल टू डील विद द इशू ऑफ कास्ट। इस चीज़ को इन्होंने दे रिमेन्ड अ लिटिल एलूफ फ्रॉम इट। उन्होंने सोचा कि ये चीज़ राम मनोहर लोहिया, ये चीज़ कांग्रेस पार्टी, बाकी पार्टी सब डील करती हैं। ये आई थिंक वॉज ए बिग मिस्टेक, क्योंकि जो जगह स्पेस इन्होंने वेकेट की वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे एसपी है, बीएसपी उन्होंने फिल की। तो यूपी में क्यों या हिंदी हार्टलैंड में क्यों कास्ट एंड नॉट क्लास बिकम्स ए डिटर्मिनिंग इशू, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं तो ये कहूँगी कि उन हिंदी हार्टलैंड में अगर डिक्लाइन हुआ और अब देखिए इस इलेक्शन में अगर आप देखें तो जितनी सीट्स मिली हैं वो सिर्फ तीन स्टेट से मिली हैं, बंगाल, केरला और त्रिपुरा, बाकी से ज़ीरो है। तो हाँ मूवमेंट ज़रूर है, बट उस मूवमेंट का क्या हो गया आंध्र प्रदेश में, हिंदी हार्टलैंड में, पंजाब में। आपने जो बात कही वो कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह रहे हैं बार बार कि दरअसल जो जाति का मुद्दा है जिसको हमेशा से लेफ्ट दरकिनार करती रही है या उसको कम इम्पोर्टेंट मानती रही है, बाद में इन्होंने जरूर माना है। अगर आप एकेडमिक्स की बात कह रहे हैं, सबॉल्टर्न स्टडीज निकले और अब सीपीएम भी इस चीज को मानती है, तो लेकिन वो क्या एक उसके पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन में अभी वो इंक्लूड हो पाया है, वो शामिल हो पाया है कि नहीं, या मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ, लेट मी फिनिश। जैसे अब तमिलनाडु में अब एक तरह का आई थिंक यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेफ्ट और जो दलित ग्रुप्स हैं उनके बीच में कुछ समझौता हो रहा है वहाँ पे। तो ये भी आ रहा है कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके साथ हमने हाथ मिलाना चाहिए ऑन इश्यूज ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑन इश्यूज ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस वगैरह तमिलनाडु में। तो ये सामने आ रहा है, बट हिंदी हार्टलैंड में ये नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो वहाँ पे स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस, वो दूसरे पार्टीज ने ले लिया। नहीं, लेकिन ये भी तो संभव है कि क्योंकि लेफ्ट पार्टियां बार बार ये कहती रही हैं कि जो सोशल डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनके साथ हमें जाना चाहिए, तो उन्होंने तो हो सकता है उनके साथ जुड़कर चलने का मौका देखा, इस वजह से वो मिला ही नहीं क्योंकि जो वो अपनी जगह बरकरार है और आपको मौका नहीं मिल पा रहा, लेफ्ट के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहती है, ये मौका आया ही नहीं यूपी और बंगाल आई मीन बिहार पंजाब वगैरह में। ये आखिरी बात जो सुधा जी ने कहा बिल्कुल सही है, ये देखिए ये बात सही है कि 1995 में हमारी पार्टी कांग्रेस में हमने ये बात को स्वीकार करने की बात नहीं, ये तो बात हर समय रही है, हमने इसको बात को माना है कि सवाल जहाँ पर जाति का है, जातिवादी लामबंदी, राजनीतिक लामबंदी हो रही है देश में जो समय उभर रहा था, और ये जातिवादी लामबंदी जो हो रही है इसके बारे में विश्लेषण में हमने 1995 में चंडीगढ़ की हमारी पार्टी कांग्रेस में कहा, इसके दो पहलू हैं, एक दलितों के अंदर और पिछड़ी भी जातियों के अंदर एक चेतना बढ़ रहा है जो एक विद्रोह का चेतना कि उनके ऊपर जो सामाजिक शोषण जो हो रहा है उस शोषण के खिलाफ लड़ाई का चेतना बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव बात है। नेगेटिव बात है जो अभी जो सुधाबाई जी ने कहा कि वो जो विद्रोह जो पड़ रहा है उसको उसी जाति के दरमियान बांधे रखें ताकि वो जो है एक पॉलिटिकल वोट बैंक के रूप में बदले जी। और ये नेताएं जो उभर कर आए नॉर्थ में हुआ कि वो स्पेस उनको दे दिया गया था। हाँ, उनको स्पेस दे दिया गया था। सवाल बात में भी नहीं, 95 में जब ये बात हमने जब स्वीकार किया था तब तक ये उभर गया स्पेस बने। अब आप देखिए बीएसपी के जीरो है लोकसभा में, जरूर वो भी है, लेकिन देश के अंदर
कांग्रेस और भाजपा के बाद वोट परसेंटेज में देखोगे तो वो बीजेपी है, अब बीएसपी है। तो अब सवाल ये वो इसी वही बात में कह रहा हूँ कि संख्या कितनी है और एक्चुअली उनके इन्फ्लुएंस कितना है उसके अंदर ऑटोमेटिकली आप जो है जोड़ नहीं सकते। दूसरी बात ये बहुत अहम है, जो पार्टी के अंदर 20 साल पहले जो बात आ चुकी है और बात सही भी है, कई हम उसको सही ढंग से लागू कर नहीं पाए, वो ही विमर्श और सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारे बीच में चल रही है। क्योंकि नारा क्या दिया था हमने, हर फैक्ट्री पे जो लाल झंडा उभरेगा हर फैक्ट्री गेट पे, उसी तरीके से हर गांव में उस कुएं के ऊपर जहां पर दलित को पानी नहीं पीने देता वहां पर भी जब तक लाल झंडा नहीं आएगा वो विश्वास लोगों में पैदा नहीं होगा हमारे ऊपर। अगर आर्थिक सवाल है तो आर्थिक सवाल है तो कोई भी इस लाल झंडे को पकड़ कर लाठी खाने के लिए तैयार है, जेल जाएंगे। आप लोग ये मानते हैं कि सामाजिक सवाल 50 सालों के आपके राजनीतिक इतिहास नहीं, मैं बात करूंगी, लेकिन क्या 50 सालों के राजनीतिक इतिहास में आप लोगों ने वो विश्वास उन गरीब या दलित तबकों में जगा पाया कि सीपीएम का झंडा या लाल झंडा रहेगा तो हमारी सुरक्षा होगी, या फिर आज विचारधारा की लड़ाई किसी दूसरे मोड़ पे पहुंच चुकी है, वहां पे आपको और दूसरे टैक्टिक्स अपनाने की जरूरत है लड़ाई में। एक ब्रेक का वक्त हुआ है सर, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। अमित, हम आज चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि वामपंथ की धारा अभी तक जो देश में रही है क्या उससे अलग तरीके से अब चलने की ज़रूरत है, या कहां कहां पर वामपंथ से चूक हुई है, वामपंथी राजनीतिक दलों से कहां कहां पर चूक हुई है जिसको सुधार के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी जातिवादी व्यवस्था में कैसे अपनी जगह बनाने की बात हो इस पर चर्चा हो रही थी, इसके अलावा विचारधारा के तौर पर कैसे आगे बढ़ना है इसको भी लेकर बात हो रही है। आपको क्या लगता है कैसे आगे बढ़े, भविष्य किधर जाता हुआ दिख रहा है? कोई भी स्टूडेंट अगर कम्युनिस्ट मूवमेंट का इंडिया का स्टूडेंट रहा, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का कोई भी स्टूडेंट रहेगा, देखेगा कि सिर्फ महात्मा गांधी ने या कुछ या डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के साथ नहीं काम किया, अर्लीस्ट फेज से कम्युनिस्ट जो हैं दलितों के साथ काम कर रहे हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद ये भी है कि कास्ट आइडेंटिटी और मंडल पोस्ट मंडल वाली पॉलिटिक्स में वो लोग अपने सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, लेकिन ये एक फैक्ट गलत है कि कम्युनिस्ट जो है सब तरह के सारे लेयर्स के कम्युनिस्ट लोग सबसे लोएस्ट लेवल्स पे मार्जिन्स में रहते हुए लोगों के साथ काम किए, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे दलित हो, चाहे सर्वहारा हो, ये फैक्ट है। इतिहास को हम लोग इस तरह नहीं भुला सकते हैं। और जितने भी डिफरेंसेस हों आपस में, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये डिक्लाइन हुआ है, ये फैक्ट है, सेल्फ क्रिटिसिज्म क्यों कह रहे हैं? लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, वो जो दलित और निचले तबके के लोगों के साथ काम तो करते रहे हैं लेकिन क्या उनका सामाजिक उत्थान हो पाया जिस लेवल पे होना चाहिए था, क्या वो हो पाया, उसके लिए कहाँ पे कमी रह जा रही है? कई जगह सामाजिक उत्थान हुआ है, बिहार में सिचुएशन बहुत बदली है, पोस्ट नक्सलाइट मूवमेंट मतलब सीपीआईएम अभी ओवरग्राउंड आ गई है, 6 MLA उनके थे पिछली बार, और वहाँ पे कई जगह पे जहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट डोमिनेशन होता था एक अपर कास्ट लोगों का, जो जहाँ वायलेंस होता था, प्राइवेट आर्मीज का वायलेंस था, वो काफ़ी रुका है, बहुत लेवल पर रुका है। सो काफ़ी शिफ्ट्स हुए हैं, पैराडाइम शिफ्ट्स हुए हैं, जहाँ जहाँ भी मूवमेंट्स या कम्युनिस्ट मूवमेंट्स के लोग गए हैं, चाहे किसी भी लेयर्स के, किसी भी कलर्स के, मतलब रेड के अलग अलग शेड्स हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि बिहार में सिचुएशन 70s में जो थी वो अभी भी 2000 में भी वैसे की वैसी सिचुएशन है, आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि ये सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात है, इसको अगर ये लोग और थोड़ा रेडिकली और थोड़ा स्ट्रांगली सेल्फ क्रिटिकल होकर देखें, इसमें बुरा ना माने कॉमरेड सीताराम येचुरी, लेकिन एक डिक्लाइन तो हुआ है, और डिक्लाइन ये है कि आप मास मूवमेंट्स, इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो हम लोग मीडिया में मास मूवमेंट्स को कवर नहीं करते, ट्रेड यूनियंस का इतना, ऑल ट्रेड यूनियंस का इतना बड़ा यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन हुआ, किसी अखबार में कुछ छपा नहीं, SEZ के पति CPI-M का 1,00,000 लोग, गरीब से गरीब लोग आए, एक शब्द किसी अखबार में नहीं छपा, और ये जहाँ जहाँ मारुति वर्कर्स का स्ट्रगल इतना लंबा चल रहा है, आप कहीं मारुति वर्कर्स के किसी स्ट्रगल के बारे में बता दीजिए, 150 लोग अभी भी जेल में है, यानी जो जो आंदोलन चल रहे हैं वो तो आप रिपोर्टिंग करते नहीं, हम लोगों को तो अभी वन डायमेंशनल रिपोर्टिंग होगी। अगर हम रिपोर्टिंग को छोड़ दें तो ये जो स्ट्रगल चल रहा है इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तभी चल रहा है, वो जो जुड़े हुए लोग हैं क्या वो वोट में तब्दील हो पा रहे हैं, क्या वो वोटर आपका रियल बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, ये भी तो सवाल। प्रॉब्लम ये है कि व्हेन इट इज कमिंग टू सेल्फ क्रिटिसिज्म, पॉइंट इज दैट
the left parties, especially the mainline political left parties like the CPM, CPI-M have declined in terms of creating mass movements in this country. It is a fact. यहाँ पे कोई blame game मैं बोल रहा हूँ वो नहीं कर रहा हूँ. ये है fact है कि BJP right wing politics कर रही है और muscle money power भी उनके साथ है. लेकिन left का जो politics का रूप होना चाहिए, जितने mass movements आप देख लीजिए जो कि mining mafia के खिलाफ है या नियामगिरी में या POSCO में या कलिंगानगर में, मतलब जयपुर में CPM का role रहा है बहुत important. कुटनकुल में नहीं है उनका role. तो जितने जितने mass movements इस वक्त corporates के खिलाफ हो रहा है और ये एक्चुअली क्लास स्ट्रगल है, मतलब इसमें कास्ट का डिमेंशन नहीं है, वहां पे सीपीएम का रोल है नहीं ज्यादा. आप ये देखिए, या सीपीआई का नहीं है. तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर ये लोग रीडिफाइन कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो दे हैव टू डू मास मूवमेंट्स. जी, एक सुधा पाई जी का भी सवाल ले लेते हैं. लास्ट वे आई विल बी वेरी ब्रीफ. मैंने जातिवादी के बारे में एक एक ये इशू उठाया था. सेकेंड इशू ये है कि आज हम न्यू लिबरलिज्म को भी कन्फ्रंट कर रहे हैं. मतलब 1991 के बाद में जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं उसके अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल पोजीशन वामपंथियों का बहुत शार्प नहीं रहा है. ना उन्होंने कोई उसमें बहुत ही एक अल्टरनेटिव ऑफर किया है. उसको उन्होंने अपोज ज़रूर किया है, बट आइडियोलॉजिकली उसको किस तरह अपोज करना चाहिए, एक अल्टरनेटिव आइडिया कंट्री के सामने रखने, उससे क्या हो गया है कि जो यंगर जनरेशन है वो मोदी के तरफ जा रहे हैं. वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं. इनके काडर्स तक अट्रैक्ट हो रहे हैं टू सम एक्सटेंट. अब हमारे यूनिवर्सिटी में लेफ्ट यूनियन बहुत फेमस था, पर आज वो मतलब काफी डिमिनिश हो गया है. हालांकि तो देयर एबिलिटी अभी भी है, अभी भी है कंपेयर टू अदर प्लेसेस. बट मैंने भी वहाँ ना 30-40 साल गुजारे हैं, आपने भी. तो मेरा ये कहना है कि इसको कन्फ्रंट करने के लिए कोई न्यू टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, न्यू सेट ऑफ आइडियाज अगेंस्ट कंज्यूमरिज्म, अगेंस्ट न्यू लिबरलिज्म, ये जो न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं उसके अगेंस्ट एक कुछ न्यू सेट ऑफ आइडियाज, ये नहीं उभर के आए हैं जो लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हों और जिससे वो उनको वोट भी दें. और यंगर जनरेशन, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अब इवन इन बंगाल टू मेक यंग पीपल ज्वाइन CPI और CPM. तो कास्ट के साथ ये एक सेकंड इशू नहीं, नहीं, आपके ख्याल बड़े नेक है. अब लेकिन उसके साथ साथ ये कहे कि नहीं हुआ वो गलत होगी. क्यों मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मामूली बात नहीं है. बताइए, मीडिया नहीं दिखाती, आपने भी उसको टकरा दिया. अन्ना हजारे के अगर 150 लोग होंगे वहाँ पर और हमारे अगर 1,00,000 मजदूर आएगा उसी सवाल पे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, एक पेपर में छपता है. क्यों छपता है? कि ये मजदूरों की रैली की वजह से कितना ट्रैफिक का डिसरप्शन हुआ दिल्ली में. लेकिन रैली क्यों होता है, क्या है मुद्दे, वो नहीं करते आप लोग. मानिए इस बात को, सवाल ये कि जो संघर्ष हो रहे हैं जमीन पे वो नजर नहीं आते हैं. और नजर नहीं आने के लिए वो भी एक राजनीतिक कारण है. अब उसके खिलाफ भी लड़ाई है. तो अब ये कहना कि उस वजह से संघर्ष हो ही नहीं रहे, ये बिल्कुल गलत है. अब सबसे ज्यादा दलितों के लिए सबसे ज्यादा, तो एक बेसिक सवाल था, बेसिक सवाल भूमि सुधार का. फायदा अगर सबसे ज्यादा हुआ कहीं पर पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल के लैंड रिफॉर्म की वजह से दलितों को. बेसिक सवाल मेरा ये था, ये कहीं आता है? अब ये तमाम आंदोलन अगर जन आंदोलन हो रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स यूनियन जीत के आ रहे हैं लेफ्ट के, अगर महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं, तो फिर वो आपके राजनीतिक समर्थक के रूप में फोर्स बन के क्यों नहीं सामने आ पा रहा? मेरा बेसिक सवाल ये था. मैं चाहती हूँ भांभरी साहब कुछ बोलना चाहते हैं. आज समाज को बांटा जा रहा है, समाज में हेट्रेड फैलाई जा रही है. जी, आपको 1990 से इस समाज में एक मूवमेंट है कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का राज होना चाहिए, इसमें पंडित शंकराचार्य ये सब लाए जा रहे हैं. ये एक मुद्दा है बहुत बड़ा. मुसलमानों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो. क्रिश्चियंस को ये मैसेज दिया जा रहा है तुम यहाँ के नहीं हो. मुजफ्फरनगर में राइट करवाए जा रहे हैं. भांभरी साहब, ये देश को पता है कि क्या क्या मुद्दे पनप रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इन मुद्दों को लेके कौन आगे बढ़ेगा और क्या राजनीति, कौन सी राजनीति होगी जो इसे लेके आगे बढ़ेगी, कौन सी राजनीतिक पार्टी होगी जो लेके आगे बढ़ेगी इसे. एक मिनट और. इस बटे हुए राज्य में जहां पर
आदित्यनाथ ये वो प्रोपेगंडा कर रहे पूरे देश में। हमारे एक बड़े भारी लेखक थे दिमित्रोव ने इस तरह के वातावरण में एक बहुत बड़ी चीज कही थी, एंटी फैसिस्ट यूनाइटेड फ्रंट हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त लेफ्ट को एक ही काम है कि ये एजेंडा इतना खतरनाक है कि वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर प्रोग्रेसिव फोर्सेस का एंटी फैसिस्ट यूनाइटेड फ्रंट बनाए, यूनाइटेड फ्रंट बनाए, सिर्फ तभी संघर्ष में हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप इनके सजेशन से सहमत हैं? क्योंकि ये जो बिल्कुल देखिए भांभरी साहब ने बिल्कुल जॉर्जी दिमित्रोव को कोट करते हुए जो बात कही वो बात हमने खुद लिखी है, कहते रहे हैं, मतलब उसके अंदर कोई दो राय नहीं। देखो इसकी शुरुआत कल हुई है मीटिंग वामपंथी पार्टियों की, पहले जो होती थी सिर्फ सीपीआई सीपीएम और आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक का, अब उसके अंदर सीपीआईएम आए हैं, उसके अंदर अब दो और पार्टियां आए हैं। तो अब पहली बात इसके अंदर पहला कदम ये है वामपंथियों के बीच में एकता, उसके बाद एकता वो सेक्युलर ताकतों के साथ जो कोशिश तो पहले भी होती रही है। ये ना देखिए दो तरह की कोशिश है, एक कोशिश पहले भी बिल्कुल होती रही, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन ये कोशिशें नजर आती थी चुनावी मोर्चों में जो एक्चुअली जनता के संघर्षों के सवाल पर ये कभी उतरे नहीं थे, बातें होती थी लेकिन उतरे नहीं थे बाकी फोर्सेस। अब देखिए आप अपने देश के अंदर देवगौड़ा साहब से लेकर नीचे ऊपर आपके मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या आपके बीजू जनता दल, तो ये नहीं एक चीज याद रखो आप, ये सब पुराने सोशलिस्ट पार्टी के हिस्से थे, यानी एक बहुत मजबूत नॉन कम्युनिस्ट लेफ्ट भी था देश में, वो अब बिखर गया मतलब इतने सारे अलग अलग पार्टियों में, यही तो पार्टियां हैं जो अगर वो उनके बीच में भी एकता होती तो जो बांबी साहब बता रहे हैं वो सही होगा। क्या अब ये भी वक्त आ गया है कि जो नॉन कम्युनिस्ट एकता की आप बात करें उसमें कांग्रेस को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अब वो भी उसी स्थिति में पहुंच चुकी है? कांग्रेस उस स्थिति में पहुंची, आज अगर बीजेपी जीता है उसके लिए कारण क्या है? कांग्रेस के खिलाफ ही तो गुस्सा लोगों में, पूरा कांग्रेस एंटी कांग्रेस। अब ये कांग्रेस और ये बात कहते कहते हमारी बात ना माने जब हमने छोड़ा वो यूनाइटेड फ्रंट वन को, अब तो सवाल यही है कि जितना कांग्रेस पार्टी करती थी उससे कई मील आगे जाके मोदी साहब जो है अब पहुंच गए। आपके लिए मेरे लिए यहाँ पर लाल किले से बोले मेड इन इंडिया, अमेरिका में जाके बोलते मेक इन इंडिया। अब मेड और मेक में बहुत बड़ा फर्क है। जो आपको नौकरियां जो मिलती थी, इन बच्चों को नौकरियां जो मिलेगी मेड इन इंडिया में वो मेक इन इंडिया में नहीं मिलेगी, उनके मतलब मुनाफे बढ़ेंगे। तो अब ये सब कामें जो हो रही है ना, अब इसके खिलाफ कौन इकट्ठा होता है ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना होगा उनकी जो नीतियां अगर इसी प्रकार की आर्थिक नीतियां रही उसी से जुड़े रहे तो मुश्किल होगी ये बात वो उनके साथ मिलकर जाने में, हालत देश की यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। अगर उसके तो बारे क्या में कम्युनिस्ट पार्टियां और खासतौर से सीपीएम अभी भी ये मानती है कि जो पुराना उसका एक उसकी आइडियोलॉजी थी, जो पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन थी कि कांग्रेस से अलग सबको एकजुट करके हम आगे बढ़ेंगे, वो अभी भी उसी लाइन पे बरकरार है? नहीं देखिए, या कुछ नई सोच उभर रही है पार्टी के अंदर? सही नई सोच जो पार्टी के अंदर जो उभर रही है वो भी उसके संकेत जो आपको नजर आ रहे हैं कि पहली बात तो ये वामपंथी एकता को विस्तार करें और उसको जो है मजबूत करें, पहला बात। और उसके आधार पर जो भी सेकुलर ताकतें हैं जो आज के जो आर्थिक सुधारों की नीतियां हैं उसके भी खिलाफ खड़े हैं, आपके सांप्रदायिकता के साथ साथ जो इन दोनों के खिलाफ जो खड़े हैं, क्योंकि आखिर जो लेकिन तो इसमें बहस आगे बढ़ जाएगी। और ये बताइए कि जो क्षेत्रीय दल हैं जिनको आप कह रहे हैं कि वो एक्सटेंडेड लेफ्ट पार्टी कही जा सकती है, लेफ्ट पार्टियों की एकता कही जा सकती है, वो कौन से उनकी कौन सी नई न्यू लिबरल पॉलिसी को लेकर उनकी कोई विचारधारा है? वो भी तो नई आर्थिक नीतियों के समर्थक है, इस पर हम बहस करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद यहाँ पे जो छात्र नौजवान युवा लोग हैं ये भी आपसे सवाल पूछेंगे, रुकते हैं ब्रेक के लिए।
आज हम बात कर रहे हैं देश में लेफ्ट पार्टियों की मौजूदा हाल की। सवाल यही है कि क्या ये उनकी चुनावी विफलताओं से उपजी हुई कोई निराशा है, हताशा है, या फिर निष्क्रियता से पैदा हुआ अंतर्विरोध है, या फिर नेतृत्व को लेकर कोई दलबंदी है जिस तरह से अभी लेफ्ट पार्टियां खासतौर से सीपीएम के अंदर देखने को मिला, या फिर वाकई अभी जो मौजूदा राजनीतिक चुनौतियां हैं देश के सामने वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं कि उससे लड़ने के लिए उनको और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। कुछ नौजवान हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों से। जी पूछिए। मेरा कॉमरेड यचुरी साहब से ये सवाल है, बेसिक सवाल है कि अभी भांभरी साहब ने बताया कि जो लेफ्ट, जो लेफ्टिस्ट का काम होता है, जो कार्य दिशा होता है, लोगों की चेतना को जगाना, उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करना, तो आपको नहीं लगता कि जो लेफ्टिस्ट वर्क है, जो काम है, काम करने की जो दिशा है, वो उससे भटक रहा है? आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लेफ्ट यूनियन है, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको लोगों की चेतना को जगा रहा है, और दूसरा लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन उसका क्रिटिसाइज कर रहा है, जबकि उसका भी काम उस लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कदम में कदम मिला के लोगों की चेतना को जगाना, स्टूडेंट की चेतना को जगाना और उसको आगे बढ़ाना। लेकिन एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में राइट का पूरा पकड़ बनता चला जा रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सोचना होगा। और जो लेफ्ट का कार्य करने की दिशा होती है वो उससे भटक रहा है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त। और उसी को सोचते हुए ही उसी के आधार पर अब ये कल जो मीटिंग हुई थी, जो बात हमने जो कहा था कि लेफ्ट पार्टियों के अंदर और उनके जनसंगठनों के अंदर, देखो लेफ्ट मूवमेंट की एकता जो है दो तरीके से बन सकती है। एक नेताएं जो है ऊपर हाथ मिलाकर कह दे कि हम इकट्ठा हो गए, दूसरा जो है जो उनके जनसंगठन जो नीचे से काम कर रहे हैं उनके बीच में एकता बनते बनते ऊपर तक चले। ये दूसरा रास्ता जो है हम समझते हैं कि और टिकाऊ रास्ता है, और वही काम हो रहा है। जो बात आपने कहा बिल्कुल सही, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बड़ा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरीके के बीच में झगड़े हो। मैंने मेरे ज़माने से एक ज़माना ये भी था कि 1978 में लेफ्ट जो है सामूहिक जब रही, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पोजीशंस दो चार में से दो जीते, हम जीते 78 में जी। तो अब आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, ये यूनिटी जो है इसको मजबूत पहला कदम है ये करना, वही जो मैं आपको कह रहा था, पहला लेफ्ट यूनिटी करिए, उसके आधार पर जो है वो ब्रॉडर यूनिटी की बात सोची जाएगी, और उसके लिए पहला कदम हुआ कल जो मीटिंग हुई। तो क्या ये यूनिटी लॉन्ग टर्म रहेगी या परमानेंट यूनिटी की? हमारी कोशिश ये है कि ये परमानेंट रहे, और अगर परमानेंट रहेगी तो उसका रूप भी बदल सकता है, कुछ और भी हो सकता है। भी ये आश्वासन मिला है बाकी वामपंथी दलों की? जी बिल्कुल, कल जो मिले हैं उनसे मिला है, और ये होनी संभव ये हम ये उम्मीद कर रहे हैं आगे को ना हो। मेरा सवाल कम और कमेंट शायद ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में आपने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स बहुत बढ़िया हुए, और मैं मानती भी हूँ कि वेस्ट बंगाल और केरला के अलावा लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से इम्पोज कहीं नहीं हुए। लेफ्ट पार्टी को वहाँ पे तब लोगों का सपोर्ट मिला, बट कुछ साल पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य के गवर्नमेंट में कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्टेड सपोर्टिंग बुर्जुआ सिस्टम, दे वर गिविंग लैंड्स इन नंदीग्राम एंड सिंगूर टू टाटा। हाउ कैन अ कम्युनिस्ट पार्टी रिमेन अ कम्युनिस्ट पार्टी व्हेन इट स्टार्ट सपोर्टिंग अ बुर्जुआ सिस्टम? देर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन मास मूवमेंट्स विच कैन लीड टू दिस सपोर्ट फ्रॉम द पीपल ट्रांसलेटिंग इन टू वोट्स। आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। I have a political background of ISA from DU. So ISA's vote share has increased enormously in the last two years. After the 16 December movement, which we fought, ISA's vote share increased by 250%. After the So I'm saying that after the FYUP movement, our vote share increased by 100%. So it's not that the left politics is declining, but because of the failure of some communist parties to remain on the path of communism, the vote share is declining. People are supporting the communist ideologies, but there is no communist party which are giving a path to the people. So how can the communist parties which have deviated from the path of communism come to the path back? Can I say something on this? The point is, you see, who is deviating, who is not, that the people will judge finally. No, please.
No. If you are saying that the Communist Party, CPM, has not been a Communist Party, people who have been doing struggles, therefore have not voted them in West Bengal, for instance. But it was the same CPI-M, the same party that the people voted for earlier. Now, I mean, that is why the CPM is the leading Communist Party in the country. Still remains the... So the point is, if you are nitpicking, you see, there is no future. If you say my strength has doubled in the last 1 year, my strength has grown 300% in Rajasthan. I had one MLA, now I have three. Now, do these statistics mean anything? What are we talking about? So that is why I'm saying here, the point at issue is not a behas again, not a dutu mein saying, am I right? I mean, I am right, you are wrong. पहली बात तो ये गलत प्रचार, एक सेंट जमीन ना एक्वायर हुआ ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ. वो तो उसको क्रेडिट तो ममता बनर्जी लेती है. ये वास्तविकता तो समझिए, अगर पढ़े लिखे हो तो वास्तविकता तो समझो. अब जो 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 भी प्रचार करना चाहता है उसी के आधार पर चलना चाहते हो तो आपकी मर्जी. और जहाँ तक सिंगूर की सवाल है, वहाँ पर उसी समय छः महीने भी नहीं, 2 महीने पहले चुनाव जो हुए थे उसमें 3/4 बहुमत जो है सीपीएम को मिली इस सवाल को लेकर कि भूमि सुधार के आधार पर जो भी विकास जो आपका हुआ वो विकास का एक प्लेटो पहुँच गया, उससे भी आगे विकास पे जाना है तो बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो संभव नहीं है. वो मुख्य चुनावी मुद्दा था, उसके आधार पर जन समर्थन हासिल हुई. लेकिन सिंगूर में और ये जो अभी बात जो गई है कि लैंड एक्विजिशन जो किया गया है वो नॉन कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्ट पार्टी अगर नॉन कम्युनिस्ट बन गई तो उसको समर्थन क्यों मिलेगी. सिंगूर अंग्रेजी में कहा गया, सिंगूर वॉज नाइदर द फर्स्ट लैंड एक्विजिशन नॉर इज इट द लास्ट लैंड एक्विजिशन इन बंगाल. राजा हाट थाउजेंड्स ऑफ एकर्स एंड हेक्टर्स हैव बीन एक्वायर्ड, दैट होल न्यू कॉम्प्लेक्स इन कैलकटा इज कमिंग. तो सवाल ये पे है कि वो लैंड एक्विजिशन के चलते हुए कुछ गलतियां हुई, वो हमने जो माना सबसे पहले तो हम ही तो बताए वो गलतियां जो हुई, और उस गलतियों के चलते हुए इस तरीके का मौका अपोजिशन को मिला उसको इस्तेमाल करने के लिए. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी ठीक थी आपके हिसाब से? अभी भी मैं कह रहा हूँ उसके अलावा और कोई विकास का रास्ता जिस जगह पर बंगाल पहुंची है उससे आगे अगर पहुंचना है उसे तो बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो हो नहीं सकता. ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी कि विकास का और रास्ता आपके दिमाग में क्या है. लेकिन उससे पहले नंदीग्राम सिंगूर पे भी सालेम वाज अ वेरी नोटोरियस हिस्ट्री सालेम हैड इन इंडोनेशिया. थाउजेंड्स ऑफ डिसिडेंट्स एंड कम्युनिस्ट्स वर किल्ड Indonesia under the dictatorship of Suharto, and Salim was a very close man, close ally to that person. तो उसमें जो उनकी जो सीपीएम ने मिस्टेक्स किए हैं वो तो इन्होंने सेल्फ क्रिटिसिज्म किया है, ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. प्रकाश कर रहे थे मेरे सामने, हम लोग के सामने रिपोर्टर्स के और एकेडमिक्स के सामने बोला कि दे डिड मेजर मिस्टेक्स एट दैट टाइम इंक्लूडिंग रिप्रेशन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू हर क्वेश्चन, आई वुड से लेट अस नॉट फॉरगेट दैट व्हेन द यूपीए वन केम एंड व्हेन एनडीए गवर्नमेंट वाज देयर, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट यूपीए वन विल कम और कांग्रेस विल विन. दिस द लेफ्ट फ्रंट गॉट 60 सीट्स, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट बेस दे गॉट. द पुअर, द सेक्युलर पीपल वोटेड फॉर द सीपीएम एंड it is maybe many people think it was wrong not to join the government, etc. Or it was a historical blunder, second historical blunder, to use Jyoti Basu's phrase. But the fact is that as a outside the support to the Congress government, the left played a very important role in the Forest Rights Act, in Nariga, in the right to information, and blocking disinvestments, including pension, provident fund, life insurance, etc. They played a very, very important role. Let us not run away from history completely in a blinkered manner. Secondly, I would say that, itna kehna chahunga, I would say that ki, ISA has grown a lot in Delhi University, which is quite unprecedented and which is very, very good, and it's grown from the from both in terms of electoral 10,000-12,000 votes they've got this time, which is quite unprecedented in terms of muscle and money power of NSUI and AVP, which is a very, very significant thing. It's a fantastic thing which has happened. But the left, you know, two things. One, the left has no option, as Professor Bhambhri is saying, except for make a united, non-sectarian, absolutely flexible, open-ended, non-narrow-minded, and visionary front. Flexibility mein wo jo important factor hai neoliberal policies ka support karne wale logon ki, khas
तौर से अगर वो कांग्रेस को भी अपने साथ लेके चलना चाहती है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या वो कांग्रेस के लिए दिखाएगी, क्योंकि अभी पार्टी के अंदर इस तरह की भावना पैदा हो रही है जिस तरह की चर्चा में। आई थिंक एनीबॉडी हु गोस विद द कांग्रेस विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल सीन इन द करंट फिल्म। देयर इज अ ह्यूज एंटी कांग्रेस वेव गोइंग ऑन व्हेरेवर दे आर, दे हैव बीन देयर, दे हैव गिवन राइज टू राइट विंग फैसिस्ट फोर्सेस। सो द लेफ्ट वन, ओनली लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट यू नो टू रिमेंबर बर्टोल्ट ब्रेक्ट व्हेन ही सेड कि इन डार्क टाइम्स विल देयर बी पोएट्री। यस, इन डार्क टाइम्स विल बी पोएट्री। हिंदी में बोलेंगे तो हमारे ज्यादा दर्शक समझ पाएंगे कि अंधेरे समय में क्या कविता लिखी जाएंगी। तो बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने कहा था अंधेरे समय में ही कविता लिखी जाएंगी, तो अंधेरे समय की कविता लिखी जाएगी। तो अभी जो राइट विंग रिवाइवल है ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है। इसमें रिट्रीट और डिफीट तो एक प्रोसेस है पॉलिटिकल मूवमेंट्स का, और एक समय पे आप रिट्रीट कर रहे हैं, एक समय पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लेफ्ट के पॉलिटिक्स के अनुसार मुझे लगता है कि इनके पास ये बहुत ही ग्लोरियस एक अपॉर्चुनिटी है इस क्रॉस रोड को टर्न अराउंड करके और एक राइट विंग के खिलाफ एक जेन्युइन प्रोग्रेसिव फोर्स क्रिएट करना। जी सुधा जी, आपने कहा था कि लेफ्ट को ये भी सोचने की जरूरत होगी कि उसको अपनी आर्थिक पॉलिसी क्या करनी है। सीताराम येचुरी साहब कह रहे हैं कि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम आर्थिक लेवल पे आगे नहीं बढ़ सकते, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता अपनाना ही होगा। तो क्या वो जो लेफ्ट पार्टी बंगाल में शुरू कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो एक रास्ता हो सकता है कि इस आर्थिक दिशा में हम आगे बढ़ते हुए वामपंथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से होगा, वो सवाल तो वही सवाल है, तो यही है। हाँ। क्या आप कॉर्पोरेट इंडिया और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू करेंगे या गवर्नमेंट स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे? पर इस सरकार ने तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स को ही ये काम दिया है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि एक न्यू लिबरल स्टांस अडॉप्ट किया है। इस सिचुएशन में किस तरह का इसका ऑपोजिशन, इसको कैसे बिल्ड करेंगे? क्योंकि आपने ये कहा था कि फर्स्ट स्टेप है कि सारे लेफ्ट फोर्सेस को यूनाइट करें, बात सही है। उसके बाद एक प्रोग्रेसिव फ्रंट बनाएं विद सोशलिस्ट पार्टीज, कहाँ हैं वो पार्टीज? क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसे तरीके से हो जिसमें प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट वगैरह नहीं इन्वॉल्व हो, तो अगर आप एसपी को देखें, मुलायम सिंह ने खुद काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए थे एक ज़माने में, आज शायद उसकी इतनी बात नहीं हो रही है, बट लैंड एक्विजिशन के बारे में यूपी के सबसे लिबरल लॉज थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट लैंड एक्विजिशन, और उनका जो मतलब काफ़ी क्लोजनेस है विद सर्टन कॉर्पोरेट हाउसेज, सो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द स्टेट कहा गया था यूपी के बारे में। बीएसपी का तो पता नहीं, उनका कोई ऐसे इस पे मुद्दा है नहीं, पर जी उनके साथ हैंड्स ज्वाइन कर सकते। उसके बाद कहाँ है, जैसे आपने कहा पॉस्को ही एक फॉर्मर सोशलिस्ट पार्टी ने किया है, जनता दल ने। बिहार में ऐसी कौन सी पार्टी है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म को नहीं सपोर्ट कर रही है? तो आपको ये एलाइज कहाँ से मिलेंगे? दैट इज योर बेसिक प्रॉब्लम। यू हैव टू देन बिल्ड ए सिचुएशन वेयर यू क्रिएट जिससे लोग आपके पास आए, नहीं तो अभी जो जमीन पे हैं पार्टीज उनके साथ हाथ जोड़ के हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे कुछ की एक वक्त में संख्या भले ही लेफ्ट की कम थी लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा था, और उस प्रभाव में राजनीतिक दल भी आते थे, इंटेलेक्चुअल्स भी आते थे, उसमें मीडिया पर्सन्स भी आते थे, और समाज का एक बड़ा तबका लेफ्ट के साथ जुड़ा क्योंकि एक वैचारिक आधार आप उनको देते थे, वैचारिक प्रभाव आपका था। लेकिन आज की स्थिति में ये सारे सवाल तो हैं ही चैलेंज, वैचारिक प्रभाव भी कम होता हुआ दिख रहा है, तो ये सारी चुनौतियों को एक साथ आपको देखना है कि कैसे आप लोग इससे पार पाएंगे। नहीं नहीं, वही तो काम कर रहे हैं ना हम, ये अभी ये चुनौतियों का सामना करना ही तो उसलिए तो है, इसलिए तो ये सब बहस चल रही है, उसलिए तो ये काम हो रहा है। और देखिए इसके अंदर जो पहली जहाँ से शुरुआत किया था हमने ये चर्चा, शायद उस मुद्दे पर आप वापस नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये आज जो अभी जो सुधा भाई जी ने कहा कि कहाँ हैं वो पार्टियाँ जो आपके साथ जो जुड़ सकते हैं, देखिए पार्टियां भी कहाँ से तैयार होते हैं, इसी जनता से। पार्टियों को जन समर्थन भी यही जनता देती है। अब इसी जनता को जागरूक करें तो आप तो वो पार्टियां भी जिस तरीके से आज है, नहीं नहीं जिस तरीके से वो है आज बनेंगे वो रह पाएंगे? अगर रह गए उस तरीके से वही हालत होगा जो बीएसपी का हुआ इन चुनाव में यूपी के अंदर। तो अब आपको भी समझना चाहिए ये कब बढ़ेगा। वो जनता के अंदर वो भावनाएं बदलेगी तभी जब जन आंदोलन मजबूत होंगे, जन आंदोलन मजबूत होंगे तभी जब वामपंथी एकता मजबूत होगी,
और वामपंथी एकता में डेढ़ अगर हमारी फॉलोइंग है और पौना जो है अगर उनकी फॉलोइंग है, अब उसके बीच में लड़ेगी कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये हो नहीं सकता। लेकिन बदलाव के लिए आपको ही उनको अपने समर्थन में भी लेना है, आपको ही उनको कन्विंस भी करना है, और आपको ही जनता के साथ जुड़कर भी काम करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और बड़ा चैलेंज इस बात को भी। मैडम, ये चैलेंज को पहले भी हमने किया था, 2004 में सरकार नहीं बनती। फिलहाल अब हमारा वक्त खत्म हो गया है इस शो का, आगे कभी और चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।